फिर बाद में पता चला बड़े होते होते कि तो फिल्म में हीरो है, फिल्मी हीरो है, ऐसे हो रहे। तो कितनी उम्र रही होगी तब आपकी? तब तो 7-8 साल की। अच्छा, 7-8 साल की। हाँ, वहीं से भाव पैदा हुआ कि इसी तरह का कुछ होता है। उसके बाद गांव में टीवी जब पड़ोस में जा रहे देख रहे, वहाँ टी फिल्म आई है शनि इतवार को 6:45 बजे, वो फिल्म हुई है। फिर बृहस्पतिवार को भी उनकी दूसरी, वो लगातार कंटिन्यू दो फिल्में आ गई। तो फिर मन में वो भाव हो गया, फिल्मों के प्रति इतना हो गया बस। तो फिर इसमें एक्टिंग के फिल्म में जाना है और एडमिशन लेना है, ये कब कब तय हुआ? एडमिशन का तो बहुत बाद में हुआ, पहले तो सोचते रहे थे कि हम पता ही नहीं था कि बनना कैसे, ऐसे ही बन जाएंगे। फिर बाद में रहा कि पता चला बॉम्बे जाके बनते हैं, तो वहाँ देखेंगे, वहाँ चले गए। वहाँ की बहुत चीज़ें रही, वो तो बहुत एक बड़ी कहानी है, लेकिन ये है कि वहाँ वैसे किसी से काम मांगने मैं नहीं गया, मेरी अपनी विचार चलता रहा। मैं रोज निकलता सड़कों पे इधर उधर ये, लेकिन ऑफिस में किसी के कभी नहीं गया मांगने, क्योंकि तो मैं खुद से ही बहुत सारे सवाल करता था जो मेरे से वहाँ होने वाले थे, और मैं खुद को ही मैं वो कर लेता था कि नहीं ये तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो फिर मैं वहाँ जाऊँगा तो फायदा क्या, ये हो ही नहीं सकता। हाँ, जो सवाल वो करेंगे वो सवाल मैं रास्ते में मैं ही कर लेता अपने से सवाल अपने से जवाब बहुत बढ़िया। बस सारे सवालों में जब मैं फेल होता नजर आता था, मैं वापस फिर शाम हो जाती थी, फिर सुबह उठती थी, फिर कुछ और। तो कितना अर्सा बाद फिर आप मुंबई से वापस आ गए? ज्यादा नहीं, बहुत थोड़े से दिनों में पहले आया, मैं गया कई बार लेकिन बहुत थोड़े थोड़े दिनों में बार बार वापस आ गया। तो फिर ये अचानक बागारा ट्रेनिंग लेने का कहीं से कोई किसी ने आइडिया दिया? फ्लाइट नहीं आया तो मैंने कहा मुझे नहीं लगता कोई मुझे मतलब लॉन्च करेगा, तो मुझे लॉन्च खुद को करना पड़ेगा, और मैं अगर ये जिक्र करूँगा तो शायद हो सकता है मेरे रास्ते में हजार रोड़े आ जाए कि भाई कहीं बढ़ने ना दें मुझे ये। तो मेरे का मेरे को अब ये बात गुम करनी है, मेरे को बढ़ना है और मुझे दूसरी तरफ जाना है। फिर मैंने राइटिंग और डायरेक्शन की तरफ वो किया। राइटिंग और डायरेक्शन के लिए एडमिशन लिया था? हाँ। अच्छा, एक्टिंग भी? अच्छा, बहुत बड़ी बात है ये। तो राइटिंग और डायरेक्शन के तरफ मेरा बड़ा कोर्स किया आपने वहाँ पे? हाँ जी। और वहाँ कोर्स करते जर्नलिज्म का कोर्स किया? वहाँ कोर्स करते करते कुछ ऐसा क्लिक हुआ कि आप एक्टर हो गए? नहीं, कुछ क्लिक नहीं हुआ, उसके बाद भी एक स्ट्रगल था। अच्छा। 4 साल का स्ट्रगल उसके बाद भी रहा। 4 साल बहुत लंबा है। 12 साल का स्ट्रगल है, 8 का पहले है, 4 का उसके बाद। फिर अचानक क्या हुआ कि अचानक ये कृपा दृष्टि हुई आपके ऊपर? हाँ, तो भाई जब देख लेंगे भाई ये तो इसी उसमें तो कुछ ना कुछ तो भगवान करते हैं। उस चीज की कैसे करेंगे, किस तरह की फिल्म बनाऊंगा? हाँ, ये तो जर्नलिज्म स्ट्रगल चल रहा था, तो वो जगह से एक इंटरव्यू करता हूँ आपसे, क्या आप हिंदी की बजाय रीजनल फिल्म बनाओ, रीजनल फिल्म बनाओ। हमें तो ये भी नहीं पता था हमारा रीजनल क्या है। अच्छा, हाँ, रीजनल समझ में नहीं आता था कि रीजनल क्या, कौन से रीजनल है। तो हम सोचते थे हमारी देहाती फिल्म बोलेंगे इसको, तो हमने शुरुआत की थी, उस पर देहाती फिल्म भी लिखा था। और जो उससे पहले भी मैंने 2 सीरियलों की शुरुआत की थी, और वो दोनों मतलब ऐसे हटके पैसे की वजह से, सेटिंग की वजह से, ये सब उस वक्त तो प्राइवेट चैनल भी नहीं, केबल आ गया, केबल आ गया था, केबल में चैनल आ गए थे। तो दिल्ली का एक बहुत बढ़िया सिटी के नाम से वो था चैनल, सिटी केबल, सिटी केबल, उस पे बनाया था। तो मैं पास किया, मेरे को बार बार बोलता रहना शाम को घर आना, देख रहे।